मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और ट्राई कर रहे होंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे पे चैनल फरा फूड डायरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को, मामाज को, सिस्टर्स को ज़रूर जो है ये पेज रेफ़र, ये चैनल रेफ़र कीजिएगा। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी, बहुत सिंपल सी बट बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चिकन स्प्रिंग रोल्स कह लीजिए, चाइनीज़ रोल्स कह लीजिए, वेजिटेबल्स इसमें डलते हैं इसलिए चाइनीज़ रोल्स भी अक्सर कहा जाता है इसे, चिकन स्प्रिंग रोल्स कह लीजिए क्योंकि कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो रेसिपी मैं आपसे शेयर करती जाऊँ जी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारे पास, ये मैंने लिए हैं जी कैरेट्स। कैरेट्स मैंने लिए हैं 2-3 कैरेट्स लिए हैं, उनको इस तरह की शेप में मैंने काट लिया है। कैबेज है जी मेरे पास, कैबेज मैंने ली है 2 कप। कैप्सिकम है हमारे पास, ये मेरे पास 4 थी, इन 4 को मैंने जो है इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। ठीक है, ये वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने इतनी डालनी है। अगर आप कैरेट ज़्यादा लाइक करते हैं कैरेट ज़्यादा डाल दें, कैबेज आपको नहीं रोल्स में ज़्यादा पसंद इसको कम कर लें, तो इस तरह आप इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, आप चाहें तो चेस्ट पीस ले सकते हैं, सीने का जो पीस होता है उसको नमक डाल के गला लें ताकि इसमें नमक भी रच जाए, तो उसका आप रेशे कर लें। मेरे पास ये लेग पीसेस थे तो मैंने लेग पीसेस का कर लिया, डजेंट मैटर जो भी चिकन का पार्ट आपके पास अवेलेबल है उसे आप बॉइल कर लें। लहसुन मैंने लिए हैं जी, लहसुन देख लीजिए मैंने ली थी, ये 3 लहसुन की जमे हैं, इनको मैंने जो है हल्का सा मोटा मोटा जो है छुरी की ही मदद से क्रश कर लिया है। ठीक है, मेरे पास सोया सॉस है जी, ये है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, विनेगर मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून है मेरे पास विनेगर। जो स्पाइसेस हैं हमारी इसमें जी 2 ही डलेंगी। ठीक है, मैंने लिया है जी सॉल्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर जो है वो इसमें ज़्यादा डलेगी, इसमें लाल मिर्च वगैरह का कोई काम नहीं होता तो इसमें ब्लैक पेपर डलेगी जो कि मैंने 1.5 टेबल स्पून दी है। ठीक है, तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी स्प्रिंग रोल्स के हमारे। ठीक है, तो चलें हम जी स्टार्ट करते हैं। पैन लीजिए जी, पैन में हमने ऑयल लेना है 2 टेबल स्पून, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना। इसमें आप जी डालिए हमने जो लहसुन लिए थे, लहसुन इन्हें हम इसमें हल्का सा सॉटे करेंगे। ये देखिएगा जी व्यूअर्स, लहसुन जो है हमने हल्का सा सॉटे हमारा हो रहा है। ठीक है, ब्राउन नहीं करना इसमें, और फिर हम इसमें हम डालेंगे जी हमारा जो चिकन है पहले वो डालेंगे। आज जब हम यहाँ पर बिल्कुल लो कर दें, ऐड कीजिएगा जी कैबेज। आज हमारी जी बिल्कुल लो है, इस तरह हम तमाम सब्जियों को ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए आपकी कैप्सिकम जो है वो, लास्ट हमारी जो सब्जी है वो हम ऐड करेंगे जी कैरेट। ये देखिएगा जी डेयर व्यूअर्स, अब हम इसको जो है पॉप की मदद से इस तरह मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम मसाला जार और जो हमारे सॉसेजेस हैं वो ऐड करने लग जाएंगे। सोया सॉस है जी वो मैंने ऐड की है, तो मैंने आपको बताया था 1.5 टेबल स्पून है हमारे पास। विनेगर जो हमने ऐड करना है जी 1 टेबल स्पून ऐड किया है विनेगर। मसाला जार में हमारे जो नमक और काली मिर्च है जी इसे भी ऐड कर देंगे, और इसे अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आंच जो है वो मैंने अब तेज कर दी है जी, अब तेज आंच पर जो है हम इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे। इसे हमने बिल्कुल नरम नहीं होने देना, क्योंकि ये आपके रोल्स में इसी तरह की कोई सी खड़ी सब्जियां ही बहुत ज़बरदस्त लगेंगी, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगी। काले मिर्च नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से जी आप एडजस्ट कर लें, इस स्टेज पर आप चेक कर लीजिएगा काली मिर्च नमक जो है वो कैसी है, आपके मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, राइट जी, मेरे हिसाब से जी नमक और काली मिर्च मैंने चेक कर ली है, बिल्कुल परफेक्ट है। नमक थोड़ा सा कम था वो मैंने डाला है, बिल्कुल भी गलाना नहीं है सब्जियों को। अब इस स्टेज पर ये जो है हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, इसको हम ठंडा होने देंगे, ठंडा होकर ये बिल्कुल मिक्सचर खुद ड्राई हो जाएगा। इसमें पानी पुनी सुखाने का इस तरह का कोई इशू नहीं करना आपने, वरना मिक्सचर आपका बहुत नरम पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम बंद कर देंगे चूल्हा और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। कोई ऑलमोस्ट लेकिन ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो सब्ज़ियाँ काटने का ही टाइम है इसमें, अदरवाइज़ इसकी कुकिंग का कोई टाइम नहीं है।
ऑलमोस्ट 5 to 7 minutes लगे और हमारा देखिए मिक्सचर रेडी है। मेंबर्स जितनी देर में ठंडा होता है जी हमारा जो हमने मिक्सचर बनाया है रोल्स का वो उतनी देर में हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। मैंने ये जो है बाजार वाली ही रोल पट्टी ली है, ठीक है। अगर तो आपने घर में बनाई है तो वेल एंड गुड, घर वाली आप यूज़ कर लें, अदरवाइज बाजार में ये इजिली अवेलेबल होती हैं, आप बाजार से लें अगर आपको फ़ौरन बनाने पड़ जाएँ, क्योंकि पट्टियाँ अक्सर ऑब्वियसली मोस्टली घरों में नहीं अवेलेबल होती, रेडीमेड ही यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया है जी 3 tablespoons मैंने घर का चक्की का आटा लिया। आप मैदा ले लें अगर मैदा अवेलेबल है, ठीक है। अक्सर लोग अंडे भी फेंट के उससे भी जोड़ लेते हैं, वो भी अच्छा जुड़ जाता है, वो अगर आपने करना कर ले। फिल वक्त मैंने लिया है जी आटा। इस आटे को हम जो है स्मूथ मिक्सचर के में बना लेंगे, अच्छे से इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स टेक्सचर मैं आपको बता देती हूँ जी, आपने इसका कितना रखना और कितना इसको थिक रखना है। जगह जी मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है और इसकी आप थिकनेस चेक कर लें कि ये इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। और इसी से हम अपने जो है रोल पट्टी को जो है वो जोड़ेंगे, ठीक है। राइट जी डियर मेंबर्स, मिक्सचर जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम जी रोल बनाने के प्रोसेस में हैं। कुछ मैंने बना लिए हैं, कुछ मैंने कहा आपके सामने बना लिए जाए ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह से आप इनको प्रॉपरली जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला तरीका है जी हमारा रोल बनाने का वो हम शुरू करते हैं। मुझे मार्बल पे ही बनाना इजी लगता है तो मैं इसी पर ही रख कर बनाऊँगी। आप अपने कटिंग पैड वगैरह या जो भी जिस तरह भी जिस जगह पे भी सरफेस पे आपको इजी रखें वहाँ रख के आप इसे बना लें, ठीक है। पट्टी हम अलहदा करेंगे जी। ये हमारे पास आ गई है जी एक पट्टी। गला ख़राब हो रहा है मेरा ज़रा, सॉरी अगर आपको कोई इशू और आवाज़ सुनने में। तो यहाँ पर ये देखिएगा जी मैंने मिक्सचर डाला है, ठीक है। अपने हिसाब से कम ज़्यादा भरा हुआ जैसे भी आपने रखना है आप इसे रखें, ठीक है। मुझे ये वाला तरीका जो मैं अभी जिससे अभी बनाने लगी हूँ ये सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है, तो मैं ज़्यादा इसी से बनाती हूँ। अच्छी तरह हम इसके लगा देंगे थर्ड साइड पर ये मिक्सचर, देन ये देख लीजिएगा बहुत थोड़ी सी फोल्डिंग आपने इसको दोनों साइड्स पे देनी है, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है फोल्ड। इसके देखिएगा कि दोनों साइड्स भी जो हैं ऊपर और नीचे वाली कितनी अच्छी कवर हो जाएंगी। ये देखिएगा ये कितनी अच्छी कवर हो गई है, आपको फ्राई करने में भी जो है कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया जी एक तरीका जिससे आपने रोल बनाए हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको बता दूं कि आप सेकंडली इसको कैसे फोल्ड कर सकते हैं। रखी है जी मैंने रोल पट्टी, यहाँ पर हम इसे इस तरह से रख देंगे, ठीक है। ये वाला आई थिंक मोस्ट कॉमन है, मोस्टली लोगों को यही मेथड जो वो ईजी लगता है इससे बनाए जाते हैं। मैं आपको वजह बताऊंगी मुझे वो फर्स्ट वाला मेथड क्यों ज़्यादा एक्यूरेट लगता है और ये वाला ज़रा सा क्यों थोड़ा रफ लगता है, लेकिन जो आपके हाथ पे चढ़ जाए आप उस मेथड से ज़बरदस्त से रोल्स को शेप दे सकते हैं। देखिए जी यहाँ पर हम करेंगे इन्हें ऐसे, ठीक है। हाथ को आपने अपना हल्का रखना है लेकिन हर चीज़ को प्रॉपरली हर तरफ से पकड़ना है, ठीक है। ये लीजिए ऊपर भी लग जाए कोई इशू नहीं, ये तो आपका ड्राई होना होता है फ्राई होना होता है तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से दबा दें, सॉरी जी इसको आप यहाँ से दबा दें, ठीक है। और यहाँ से ये देख लीजिएगा ये वाला भी हमारा रोल कितना अच्छा बना है, ठीक है जी। जो मेरे पास लास्ट मेथड है जी हमारा रोल बनाने का वो भी मैं आपको दिखा दूँ। हमने डाला है जी मिक्सचर, मिक्सचर को जी हमने करना है सेट इन द मिडल, ठीक है। सेट करने के बाद अब इसके दोनों तरफ ऐसे लगा दीजिए मिक्सचर, ठीक है। देखिए जी यहां से आप उन्हें साथ साथ ही जोड़ते जाइए, यू कैन से इट्स अ कैंडी स्टाइल, इसको देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये थे जी हमारे 3 different methods जिनके थ्रू जो है हम रोल बना सकते हैं।
बट एज आई टोल्ड यू कि मुझे जो फर्स्ट मेथड है रोल्स का वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखिएगा ये तीनों मैंने फर्स्ट वाले मेथड से ही बनाए हैं। एक तो ये है कि इनकी जो लंबाई है वो सेम ही रहेगी, ठीक है, यानी कि और मतलब आप फ्राई भी करके जब कहीं रखेंगे तो आप प्रोफेशनल लुक ही देंगे कि जी अच्छा एक ही जगह से एक ही तरह से एक ही स्टाइल से बने हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ये स्टाइल अच्छा लगता है, ये सिंपल भी लगता है। बाकी ये वो दो वो हैं जो हमने कैंडी स्टाइल में बनाए हैं, इनकी भी देखिएगा लेंथ सेम ही रहेगी, ठीक है। और ये वो थे जो हमने सेकेंड जो हमारा स्टाइल था उस तरह से बनाया है, ठीक है। तो ये हैं जी तीन तरीके जिनसे आप रोल्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है रोल अपने फ्राई करने लगे हैं। रोल फ्राई करने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि रोल फ्राई करने के लिए आप इसे गर्म ऑयल में ज़रूर डालें, आप इसे बिल्कुल भी तेज़ आंच पे ना फ्राई करें, ठीक है। आंच आपने थ्रू आउट द प्रोसेस मीडियम लो ही रखनी है, फिर ही ये रोल जो है वो आपके क्रंची बनेंगे, ठीक है। ऑयल मैंने गर्म किया था बट आंच मैंने जो है बिल्कुल मीडियम लो रखी है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तो है हम पकाएंगे, ठीक है। देखिएगा जी हमारे ज़बरदस्त से मज़े के जो है स्प्रिंग रोल्स हैं, चिकन वेजिटेबल रोल जो हैं वो तैयार हैं। फ्राई करने की मैंने आपको टिप बता दी है जिससे कि ये आपके क्रंची भी बनेंगे, ठीक है। आप चटनी के साथ सर्व करें, किसी भी ऐसी डिश के साथ सर्व करें, ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त मज़े के लग रहे हैं, ठीक है। रमज़ान की ये बेहतरीन डिश है, फ्राइड डिश अगर आप रमज़ान के लिए बनाना चाहें तो ये बेस्ट है। इसमें आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हम स्प्रिंग अनियन जिसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो एग फ्राई करके वो भी। देखिए जब आप मज़ीद इसमें वो इंग्रीडियंट्स ऐड करेंगे, आलू हो गया, स्प्रिंग अनियन हो गया और अंडे हो गया, तो फिर आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर तो ये फ्रीज़ करना है 2-3 हफ्ते के लिए लॉन्ग टर्म की यूज़ के लिए, तो फिर यही वेजिटेबल्स ठीक है, आप यही ऐड करें। 1-2 दिन के लिए आपने बनाना तो आप मज़ीद भी इसमें आलू प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जी ये थी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको मज़े की लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।